इतनी बजे खेला जाएगा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 37। लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान केएल राहुल और मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने घोषित की अपनी खतरनाक प्लेइंग 11। दोनों टीमों में किए कई बड़े बदलाव, बदलावों के बाद बनेगी ये टीम सबसे मजबूत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 37 के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है, जहां पर दोनों टीमों में कई बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होने वाली है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 किन बड़े बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहाँ पर होने वाला है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इस मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं, यानी कि इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर आईपीएल 2022 में दोनों टीमों के परफॉर्मेंस की, तो मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस अब तक आईपीएल 2022 में काफ़ी ख़राब देखने को मिला है। इस टीम ने अब तक एक ही भी मुकाबला नहीं जीता है, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक 7 मुकाबले खेले जिसमें से 7 ही मुकाबले हारे और पॉइंट टेबल में भी फिलहाल ये टीम आखिरी पायदान यानी कि नंबर 10 पर मौजूद है। तो वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम का परफॉर्मेंस अब तक आईपीएल 2022 में काफ़ी शानदार देखने को मिला है। इस टीम ने पॉइंट टेबल में भी अपनी जगह नंबर 4 पर बना ली है। तो वहीं पर इस टीम ने अब तक आईपीएल 2022 में 7 मुकाबले खेले जिसमें से शानदार तरीके से केएल राहुल की कप्तानी में 4 मुकाबले इस टीम ने अपने नाम पर किए हैं। वहीं दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम को 7:30 पर शुरू होने वाली है। साथ ही इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप मोबाइल में डिजनी प्लस हॉट स्टार और टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख पाएंगे। वहीं दोस्तों, हम बात करें उन खिलाड़ियों की जो अब तक आईपीएल 2022 में कमाल करते आए, तो लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से अब तक केएल राहुल ने शानदार पारियां खेली है। तो वहीं पर क्विंटन डिकॉक भी अब तक टीम की तरफ से काफ़ी शानदार फॉर्म में दिखे हैं। तो वहीं पर इस टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करके दिखाई है दीपक हुड्डा, मार्कोस टोनिस, आयुष बदोनी, मनीष पांड्या, केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक ने अच्छी खासी बल्लेबाजी करी है। तो वहीं पर गेंदबाजी में भी इस टीम की तरफ से अच्छा खासा दमखम दिखा है। गेंदबाजी में इस टीम की तरफ से कुणाल पांड्या, दुष्मता चमीरा, आवेश खान और रवि बिश्नोई ने कमाल की गेंदबाजी करके दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ हम मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो इस टीम की तरफ से ईशान किशन अच्छी फॉर्म में दिखे, लेकिन रोहित शर्मा अब तक भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। 7 में से 7 ही मुकाबले ये टीम हार चुकी है। तो वहीं पर इस टीम की बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी अब तक काफ़ी ख़राब रही है। हालांकि बल्लेबाजी में इस टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और किरण पोलार्ड ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है। तो वहीं पर डेनियल सेम भी अच्छी खासी फॉर्म में उतरे, लेकिन ये टीम अभी तक एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है। तो जसप्रीत बुमराह को छोड़कर इस टीम का कोई भी बल्लेबाज अब तक कुछ खास नहीं कर पाए और लगातार ये टीम मुकाबले हारती आ रही है। हालांकि ये चैंपियन टीम है पिछले साल की और अब तक आईपीएल में इस टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा था, लेकिन इस मुकाबले में ये टीम काफ़ी अच्छी फॉर्म में नहीं उतर पा रही है और लगातार मुकाबलों को हारती आ रही है। तो अब यहाँ पर हम दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें, आखिरकार किस प्लेइंग 11 के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम की बात करें तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर ईशान किशन के साथ रोहित शर्मा। इन दोनों खिलाड़ियों को अब अच्छी शुरुआत देनी होगी, तभी ये टीम मुकाबला जीत सकती है और अपनी जीत का खाता खोल सकती है। वहीं नंबर 3 पर डिवोल्ड ब्रेविस उतरेंगे, तो नंबर 4 पर सूर्य कुमार वर्मा, वहीं नंबर 5 पर तिलक वर्मा, तो नंबर 6 पर किरण पोलार्ड में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 7 पर इस टीम की तरफ से डेनियल सेम उतरेंगे, तो नंबर 8 पर जयदेव उनादकट, वहीं नंबर 9 पर हार्दिक सोकिन हमें खेलते हुए दिखेंगे। वहीं नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह उतरेंगे, तो नंबर 11 पर रिली मेडित इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करें तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर केएल राहुल के साथ क्विंटन डिकॉक, जो अब तक टीम को अच्छी खासी शुरुआत देते आए हैं और टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस भी किया है। वहीं नंबर 3 पर मनीष पांड्या उतरेंगे, तो नंबर 4 पर दीपक हुड्डा उतरेंगे, वहीं नंबर 5 पर मार्कोस टोनिस, तो नंबर 6 पर आयुष बदोनी, वहीं नंबर 7 पर जोसन होल्डर में खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 8 पर कुणाल पांड्या, तो नंबर 9 पर दुष्मता चमीरा, वहीं नंबर 10 पर आवेश खान दिखेंगे, तो नंबर 11 पर इस टीम की तरफ से रवि बिश्नोई में खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के प्रेडिक्शन की, तो मुंबई इंडियंस की टीम लगातार 7 मुकाबले हारती आ रही है, लेकिन यहाँ पर भी इस टीम ने वहीं प्लेइंग 11 रखी है, यानी कि अपनी टीम में ज़्यादा कुछ बड़े बदलाव नहीं किए हैं। हालांकि 2 बदलाव इस टीम ने किए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस मुकाबले को जीतने के चांसेस ज़्यादा रखती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आप हमें अपनी राय कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।